गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास है आपकी 11th इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। कक्षा हम लिखेंगे यहाँ पर, आपकी क्लास है 11th और विषय है आपका हिंदी। आज जो आप पढ़ रहे हैं, आज जो हमारा चैप्टर है वो है पार्ट 9, है ना, चैप्टर 9, जो कि आपके पद्यखंड से लिया गया। पहले भी हमने आपको बताया है कि जितने भी चैप्टर्स आपके गद्यखंड में थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पद्यखंड का 9वां पार्ट पढ़ रहे हैं, मतलब अब कुल मिलाकर हमारे पद्यखंड की यदि हम बात करें तो पद्यखंड में सिर्फ दो चैप्टर्स बाकी हैं। एक है आपका 9 चैप्टर और इसके बाद एक 10 चैप्टर, मतलब इसके बाद हम बात करेंगे हमारा पद्यखंड भी क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं वो है पार्ट 9, जिसका नाम है सबसे खतरनाक। आप पूछेंगे थोड़ा सा अजीब नाम है इस कविता का, है ना, कि सबसे खतरनाक, लेकिन हम आगे समझेंगे कि क्या यहाँ पे अवतार सिंह पास, मतलब जो कि इस कविता के कवि हैं, वो हमें इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं। तो हमेशा की तरह क्लियर है, सबसे खतरनाक जो कि आपकी कविता है, जो कि ली गई है आपके पद्यखंड से, जिसके कवि हैं यहाँ पर अवतार सिंह पास जी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे शब्दार्थ, क्योंकि जब हम कविता पढ़ेंगे तो हमें, अगर हम शब्दार्थ, हमें कुछ शब्दों के, दिए गए शब्दों के अगर अर्थ हमें मालूम होंगे तो हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, शब्द आसानी से जो है कविता समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है शब्दार्थ में गद्दारी, पहला शब्द जो लिखा है गद्दारी, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाता है देश या शासन से धोखा। मतलब जब आप किसी, जब आप अपने देश से, किसी भी अन्य देश से क्या करते हैं, आप धोखा देते हैं, मतलब उसके बताए हुए काम को नहीं करते हैं, या किसी जो खबरें हैं वो आप यहाँ से लेकर किसी और को दे देते हैं, मतलब किसी भी प्रकार से आप क्या करते हैं, गद्दारी करते हैं, तो वो कहलाता है देश या शासन से धोखा। अगला जो शब्द है यहाँ पे आप देख रहे हैं तड़प शब्द लिखा है, तड़प का अर्थ होता है बेचैनी, वीरान, वीरान का जैसे किसी नाम से मतलब सब उजड़ा हुआ है ना, तो वीरान का अर्थ हो जाएगा उजड़ा हुआ। रूह, रूह मतलब होता है आत्मा, जो कि उर्दू शब्द है। चौगाठों का मतलब होता है चौखटों। ठीक है, तो ये है आपके शब्द जो आपने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कविता, की कविता में क्या बताया गया है, जो कि अवतार सिंह जी ने एक कविता के माध्यम से हमें सबसे खतरनाक कविता लिखी है उसके माध्यम से हमें क्या बता रहे हैं, फिर हम अवतार सिंह जी का जीवन परिचय भी पढ़ेंगे, है ना, आपकी किस तरह से उन्होंने कविताएं लिखी, किस किस भाषा में उन्होंने कविताएं लिखी, है ना, उनका उद्देश्य क्या था कि वो कविताओं को रचते थे, साहित्य में उनका स्थान क्या था, तो इस तरह से, और कविता के सारांश को देखेंगे कि पूरे सारांश में क्या बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं पास। समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। मध्यवर्ग किसान परिवार में जन्मे पास की शिक्षा आर्यमित ढंग से स्नातक तक, यहाँ पे स्नातक मतलब क्या होता है कि बस, मतलब उन्होंने ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट किया था। पास जन आंदोलन जुड़े रहे और विद्रोही कविता का नया सौंदर्य विधान विकसित कर उसे तीखा किंतु सृजनात्मक तेवर दिया। जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि जब भी कोई कवि या लेखक कोई लेख या कोई कविता लिखता है तो उसका एक उद्देश्य जरूर होता है कि वो लोगों तक अपने मन की बात को पहुंचा रहा है, उन्हें जागरूक करना चाह रहा है ना। तो यहाँ पे भी जो थे, जो अवतार सिंह थे, अवतार सिंह जो है इनको पाश शब्द से यहाँ पे हम जान रहे हैं, तो उन्होंने जैसे कि वो आंदोलन जुड़े, मतलब जब भी देश जो हमारा आजाद हो रहा था उन आंदोलनों से कौन जुड़े थे, पास जी जुड़े थे, और उनका एकमात्र यही उद्देश्य था कि वे अपनी कविता के माध्यम से
यहाँ पर जब जड़ स्थिति जो है वो क्या हो जाएगी, बदलने लग जाएगी। अगर ऐसी चीजें हैं जिनको जड़ ही रहना चाहिए, मतलब रुका हुआ रहना चाहिए, वो क्या होती है, परिवर्तित होती जा रही है। यदि सपने हैं, बेहतर भविष्य के सपने हैं, वो क्या हो रहे हैं, गुम हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये स्थिति बहुत खतरनाक है। मतलब व्यक्ति क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, उसके पास आगे बढ़ने के लिए क्या होगा, कोई भी जो है वो माध्यम नहीं होगा, कोई भी सपना नहीं होगा। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इस स्थिति को उजागर करते हुए अवतार सिंह जी ने सबसे खतरनाक नामक कविता की रचना की थी, ताकि वो अपने जो विचार उनके मन में आ रहे हैं इस स्थिति को लेकर वो आप तक पहुँचा सके। 1988 सारांश कविता का, जिसमें आपने समझा कि क्या पढ़ा आपने, कि सबसे खतरनाक नामक कविता अवतार सिंह पासी ने लिखी है, वह किस स्थिति को इंगित करती है, किस स्थिति को बताती है ना। अब आपको क्या करना है, आपको कविता जो कि अवतार सिंह जी का जीवन परिचय आप लिखेंगे, शब्द आपको हमने बता दिए है ना, और आप क्या करेंगे, इस कविता को जरूर पढ़ेंगे और लगभग जो है वो एक्टिविटी पेज पर लिखेंगे है ना। थोड़ी सी आप ध्यान सुनेंगे इसको। मेहनत की लू सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमे से चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक तो यहाँ पे ही बता रहे हैं कि ठीक है, कभी कभी हमारी मेहनत की कमाई हम लुट गई, मान लो कोई हमारी मेहनत की कमाई को लेकर, तो वो भी बुरा नहीं है, चलो हो जाता है, कभी कभी खतरनाक नहीं है, वो भी कभी कभी हो जाता है। कभी हमें किसी कारणवश पुलिस की मार पड़ गई, वो भी बुरा नहीं है, मतलब वो भी खतरनाक नहीं है। कोई गद्दारी करता है, कर रहा है, लोभ कर रहा है, मतलब लोभ क्या, लालच, लालच कर रहा है, वो भी बुरा नहीं है। आप बैठे बिठाए जाना बुरा है, तो ये भी आपको बुरा नहीं। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है, सबसे खतरनाक होता है। देखिए अब सबसे खतरनाक यहाँ पे बता रहे हैं कि कितना बुरा काम हमारे साथ हो जाए, लेकिन वो बुरा नहीं होता, लेकिन सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना मुर्दा तड़प पर सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर। देखिए अगर आप किसी व्यक्ति को दुखी देख रहे हैं और उसके दुख में आप ही दुखी हो रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई बुरा, कोई दुख में नहीं पड़ रहा है, तो ये सबसे बुरा है।